नमस्कार मैं अशोक व्यास कार्यक्रम इन साइड टू नाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं कला की और कला की बात करते हुए वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर्ट यूनाइट्स सो दिस इज अ प्रपोजिशन सो टू से और इट इज अ फैक्ट समथिंग दैट मेनी ऑफ यू हैव रियलाइज इधर बींग एन आर्टिस्ट और बींग एन आर्ट एप्रिशिएटर दैट आर्ट यूनाइट्स एंड हाउ आर्ट यूनाइट्स एंड वट इज द आर्ट ऑफ लिविंग वी ऑल Look forward to learning uh, the nuances of life, and there comes one key word which we uh, refer to as love. How being in love makes all the difference uh, in the way you perceive the world, and how being in love with the art form uh, that is uh, the chosen art form for you helps you in uniting with the whole world. We'll learn about that. With the two esteemed panelists, uh, my guest today, uh, Namaste Pratiksha Ji. Welcome. Pratiksha Ji is the author and she writes uh, novels. Um, she paints also. She writes short stories as well. And there's much more to her. We'll uh, learn more about Pratiksha Ji. But I also have someone who has uh, made his name as a poet, but also someone who manages uh, different uh, creative beings.

Actually, you said it right. Uh, art ko ideally, it should unite. Because many of the art forms don't have a language, they don't have a nationality. So, in that sense, a painter in one part of the world can easily relate and connect with another painter in another part of the world. Uh, so in that sense, yes, the art should unite. But as you said, in the in, in, in real world, uh, when, you know, rightist, leftist, uh, whatever, I don't even know, know all the names, but when that starts happening, it, it does divide also. So, I, I guess it depends on how you are looking at it, what time you are looking at it, what reference you are looking at it. I think you said it very well and the reference many times is manipulated by those who are in a position to dictate how it should be perceived. And when I say this, uh, you have uh, different uh, types of literature also classified, that women literature, Dalit और या फिर ये प्रवासी भारतीय लेखक हो गए सो दैट इट्स गिव सर्टेन स्पेसिफिक एंड लेट मी सीक इनपुट फ्रॉम प्रत्यक्षा जी ऑन द बेसिक प्रीमाइसिस विद विच वी आर टॉकिंग आर्ट यूनाइट्स और नॉट नेसेसरी नहीं जैसे अनूप जी ने बोला इट शुड यूनाइट आर्ट का मतलब ये है कि हम मंडेन से सबलाइन की ओर जा रहे हैं लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती और हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट हम लोग मंडे में उलझ के रह जाते हैं और जैसे उलझे रहते हैं तो ये जो डिवाइसिव कैटेगरीज़ हैं जो आपने बोला कि वेमेन राइटिंग दलित राइटिंग प्रवासी सब अलग अलग कैटेगरीज में हम फिट होना चाहते हैं शायद लगता है कि इमीडिएटली इससे कुछ हमको आ, कुछ फ़ायदा होगा बट मुझे लगता है द मोमेंट आप ये बात सोचने लगते हैं यू आर समहाउ बिट्रेइंग योर आर्ट फॉर्म तो सबलिमिटी की ओर जाने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देन इट इट शुड डेफिनेटली ऑलवेज ऑलवेज तो अनु जी इनकी बात से जो एक अगली कड़ी निकलती है उस हम पर हम ज्यादा देर नहीं ठहरेंगे पर यूटिलिटी जो है या कि इसको करके मुझे क्या मिलेगा ये नहीं हो प्रत्यक्षा जी की बात से ऐसा लगता है और सो देर इज एन एलिमेंट ऑफ सेल्फलेसनेस विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ बींग ट्रू आर्टिस्ट इज दैट राइट Well, I mean, ultimately, as far as I am concerned, to me, it is my own self-satisfaction that I get by expressing the thoughts that that I want to. So everything else is a is a by byproduct to me. You know, the fame that I get, the, uh, whatever I, whatever one else one happens, one is, one is a byproduct to to me. I I would say. or generally, you? तो वो अपनी दाल रोटी का ध्यान नहीं रखे वो अपने आप आए जो आ जाए ऐसा कुछ हो नहीं हो। नहीं उसका तो ध्यान रखना ही होगा द वेरी फैक्ट दैट आई कुड से दैट इज बिकॉज माय दाल रोटी डजेंट डिपेंड ऑन माय आर्ट बट नो आई आई टोटली एग्री दैट द पीपल फॉर होम द आर्ट और द राइटिंग इज द प्रोफेशन द सोसाइटी शुड गिव दैम इनफ

आवर सोसाइटी इज़ नॉट कंड्यूसिव टू अ वेरी फ्री एंड लिबरल स्पेस फॉर आर्टिस्ट्स तो मुझे ध्यान आ रहा है अभी इंसिडेंटली सिल्विया प्लाथ एंड टेड्यूट तो सिल्विया प्लाथ उनके और अपनी कविताओं को पब्लिशर के पास भेजने का और वो जो सारा सरंजाम जो हम करते हैं विच इज़ नॉट क्रिएटिव एट ऑल विच इज़ लाइक अ क्लरिकल ऑफिशियल काम की ये मुझे भेजना है प्रूफ रीडिंग करनी है ये सारा तो शी वुड डू दैट अब मुझे लगता है कि ये ये इस तरह से हम भी सोचते हैं कि कोई ऐसा हो जो हमारी इन चीज़ों को ले ले हमारा काम एज एन आर्टिस्ट आई क्रिएट दिस एंड देन आई शुड बी फ्री फ्रॉम इट कि उसका जो मार्केटिंग है या ब्रिंगिंग इट टू द वर्ल्ड समबडी एल्स इज डू शुड डू इट लेकिन वो सैडली इट इज नॉट हैपनिंग और हिंदी में और खास करके भारत में हिंदी साहित्य में अगर हम सिर्फ साहित्य की बात कर रहे हैं तो एजेंट्स का भी कोई स्कोप नहीं है तो इसका मतलब है कि जो राइटर है वो पहले लिखेगा एक क्रिएटिव स्पेस में आएगा फिर उससे तुरंत निकल के वो एक मार्केटिंग मैनेजर में चेंज हो जाएगा hmm. उसको अपनी चीजों को बेचना है अपनी एक नेटवर्क करना है कि चीज़ें बिकें चीज़ों के बारे में बात हो तो ही बिकम्स डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर और जितना आप वो दूसरे वाले खांचे में जाते जाएंगे आपका पिछला वाला क्रिएटिव वाला जो खांचा है जो कंपार्टमेंट है दैट इज बाउंड टू बी अफेक्टेड एंड कॉन्स्ट्रेन एंड डिमिनिश्ड लेकिन सोसाइटी इसके लिए दैट इज़ सम यूटोपियन सोसाइटी कि ऐसा हो कि किसी फ्री स्पेस फ्री वर्ल्ड में हम बैठे हों एंड लाइक टोटली जैसे आपने कहा योगी हो गए हम और क्रिएटिविटी करते रहे तो वो तो संभव नहीं है हम खुद इसी दुनिया में रहना इसी माया में लिप्त भी रहना है सारी चीज़ों को करना है और उस उस चीज़ों को करते हुए उस पूरे रूटीन में धंसते हुए हमको एक अपना स्केप भी निकालना है एक निकल जाना है यहाँ से कहीं और जहाँ हम क्रिएटिविटी में उस जोन में एंटर करते हैं तो ये बड़ा एक ग्रे एरिया है बहुत साफ साफ से हम नहीं कह सकते कि ये हो जाना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए तो वो दुनिया लेकिन क्रिएट करने के लिए जितना कंड्यूसिव एनवायरमेंट वी कैन क्रिएट और वी कैन हेल्प टू क्रिएट आई थिंक एवरी लिटिल इंच दैट इज डन फॉर दैट मस्ट बी मोस्ट वेलकम आई थिंक एक तो एक्सटर्नल जो है या बाहर का वातावरण है या जो हेल्प करता है कि ये क्रिएटिव स्पेस बची रहे पर कुछ ऐसा होता है इंडिविजुअल्स uh, में या राइटर्स पोएट्स में आर्टिस्ट में कि ये जगह बची रह ही जाती है एट द कॉस्ट ऑफ एवरी जैसा कि नहीं होना चाहिए वो बट वी विल नॉट गेट इन टू दैट स्पेसिफिक साइड लेकिन अनुजीत जो आर्ट के यूनाइट करने वाली बात को लेते हुए जब हम हारमोनी uh, शब्द को लेकर आते हैं समन्वय की बात में तो रंगों के बीच में भी एक समन्वय हो जाता है शब्द क्या कह रहे हैं क्या बात आ रही है वो कैसे एक सौंदर्य की अनुभूति पाठक या श्रोता तक पहुंचा रहे हैं उसको कैसा एक संवेदनशीलता का एक नूतन स्पर्श दे रहे हैं वो सब रह जाता है तो इस सब में मैं अब आपका जो एक फील्ड रहा है टेक्नोलॉजी वाला उस डायमेंशन को लेकर आ जाता हूँ तो आपको क्या लगता है जो आर्ट का ये यूनाइट करने वाला रोल है वो इंटरनेट इरा में और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है या इजी हो गया है नहीं बीइंग अ टेक्नोलॉजी पर्सन आई वुड से इट हैज़ मेड इट ईजियर बिकॉज द कम्युनिकेशन हैज बिकम ईजियर आई मीन नाउ आई कैन सिट एनी इन द वर्ल्ड एंड आई एम रीडिंग राइटिंग्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड सो the internet has done a big 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 role in that bringing people together providing a common platform bhi hua karti thi lekin itni se hoti thi aaj duniya kisi bhi kone mein koi bhi writer kuch bhi hai almost instantaneously that becomes available to the rest of the world so i i would say definitely internet has made uh, that easier तो एक तरफ इंटरनेट ने इसको आसान बना दिया है दूसरी तरफ हम इंटरनेट के बारे में जब भी बात करें तो कोई ना कोई इंटरनेट को इस बात को लेकर गाली शब्द में ले रहा हूँ गाली मतलब उसकी आलोचना है कि उसने लोगों को लोनली बना दिया पर हम लोनलीनेस के बारे में बाद में जाएंगे जो बात अनूप जी ने की कि अवेलेबल हो जाता है तो आपका एक उपन्यास है पारा पारा उसका कुछ अंश आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ पढ़कर कर प्रत्यक्षा जी और थोड़ा सा बताएं भी पारा पारा के बारे में पारा पारा मेरा नया उपन्यास है ये लगभग तीन पीढ़ियों के औरतों की कहानी है और कैसे औरतों को जीवन में बरतने का जो हुनर वो पाती हैं वो इन 200 सालों में कितना बदला है कितना उतना ही वैसा रह गया है और जो आज की स्त्री है वो इस पूरी दुनिया में अपने आप को कैसे सॉर्ट आउट कर रही है ये उस बात की कहानी एक छोटा सा हिस्सा मैं पढ़ के सुनाती हूँ एक जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो उसके तरफ से ये चीज़ आ रही है और इस चैप्टर का शीर्षक है चंद तस्वीरें बुता मैं बड़ी मामी को याद करती हूँ मेरी मामी नहीं माँ की मामी यानी मनोरमा मन्नो नारायण की मन्नू जब पाँच साल की थी तब ब्याह हुआ था उनका मैंने उनको नहीं देखा है जब मैं पाँच की थी उनकी मृत्यु हुई उनहत्तर साल की उम्र में मैंने उनके सिर्फ तस्वीरें देखी हैं पुरानी पीली पड़ी तस्वीरें किनारे से फटी और कई बार बीच से मुड़कर दब जाने का एक तीखा निशान जैसे वक्त के सीने पर जख्म के निशान हों उनके सिर्फ चार तस्वीरें हैं पहली तस्वीर में वो बीस एक साल की हैं सफ़ेद साड़ी में पूरी लिपटी चेहरा सिर्फ ज़रा सा धुंधलाया दिखता ज़रा हैरानगी सा भाव कि इस दुनिया की मैं नहीं लगता सड़क कर फ्रेम से बाहर हो जाने की कोशिश में है तस्वीर के ठीक बीच में नन्ना माँ की नानी है उनका लिबास भी कोरा सफेद है पर उनके चेहरे पर राजसी ठसक है अमला गुमला के ऊपर राज करने की अकड़ उनकी बाई और नानी है रंगीन फूलों वाली शायद सिल्क और जरी की साड़ी सियास सफेद तस्वीर में भी उनके लिबास की अमीरी झलक रही है उनके गहने दमक रहे हैं उनकी कलाइयाँ जो गोद में दो नर्म कबूतर सी दुबकी हैं ढेर चूड़ियों से सजी हैं नानी के बगल में नाना है सूट बूट साजे उनके चेहरे की रौबदार मूछे सबसे दर्शनीय चीज है दूसरी फोटो में वो हस्ती दिखती हैं उनके बगल में हुक्का धरा है और पैरों के पास बराहिल का बेटा बिट्टन बैठा है इस फोटो में भी उनका लिबास कोरा सफेद है बस सर पर आंचल नहीं गर्दन पर ढलकता घने बालों का जूड़ा दिखता है पैंतीस की लगती हैं माँ को ठीक मालूम नहीं तब उनकी क्या उम्र रही होगी तीसरा फोटो किसी ब्याह का है वो एक झुंड औरतों के साथ बैठी हैं सब अजब भौचक पने में कैमरा देख रहे हैं फ्लैश हुआ होगा उसकी रोशनी में सबकी आंखें फटी सी दिखती हैं जैसे सड़क पर हेडलाइट की चौद से घबराया कोई हिरन का बच्चा फोटो नंबर चार में वो बूढ़ी दिखती हैं उनके चेहरे पर जुड़ियों का महीन जाल है उनकी आंखों का भाव दिखता नहीं जैसे उन्होंने सब दरवाजे बंद कर लिए हों और सांकल लगा ली हो और उसकी चाबी किसी गहरे अंतहीन कुएं में फेंक दी हो मुझे उस कुएं की याद आती है जिसमें झांकू तो कुछ नज़र नहीं आता था सिर्फ अंधेरे का एक गोला और कभी कभी कुछ गाढ़ा जरा झिलमिलाकर कुछ हिल जाने का आभास या भ्रम मात्र इस तस्वीर को देखकर मुझे उस कुएं की याद बेसाख्ता आती बहुत साल बाद किसी मौसेरी बहन के साथ समय बिताते मुझे उनकी एक फ़ोटो और हाथ लगी थी ये तस्वीर तीन विधवा स्त्रियों की थी जो एक साथ बैठी एक सा भाव और एक से लिबास में जैसे किसी जाने माने फोटोग्राफर का लिया अद्वितीय पोर्ट्रेट नन्ना नानी और बड़ी मामी माँ बार बार कहती हैं वो घर विधवाओं की हवेली था पूरे दिन आंग, आंगन में सफेद कोरी साड़ियाँ सूखने को डाली हवा में फड़फड़ाती थी जैसे घर में से सब रंग किसी ने पोछ दिया हो क्या बात बहुत अच्छे है बहुत अच्छा ये जो पढ़कर आपने पारा पारा का अंश सुनाया है ये कितनी लंबी यात्रा इतने छोटे से समय में पाठकों के लिए करा देता है हमारे दर्शक भी उस अनुभूति को सफ़ेद साड़ियाँ सूखती हुई अपने आप में कितनी कहानियाँ कह जाती हैं मैं अपने शब्दों में इसको बहुत लंबा नहीं दोहराते हुए भी ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि बहुत सशक्त रूप से जो शब्द चित्र हैं वो पाठक को एक ऐसे गुड़ स्तर तक ले जाते हैं जो कि उनका बहुत निजी है और बहुत कम शब्द में पर ये जो जीवन का विस्तार है उसको जो कलाकार है वो जिस भी विधा के द्वारा कहीं ना कहीं हम तक लेकर आता है तो इसके द्वारा भी अनुरूप ऐसा होता है कि हम जीवन के अलग अलग चेहरों को देख समझ पाते हैं इस तरह भी आर्ट यूनाइट करता है क्योंकि वो जो संसार हमने देखा नहीं है समझा नहीं है जाना नहीं है हमारे मित्रों का हमारे संबंधियों का जो दायरा है वो भी सीमित होगा लेकिन कथाएं उपन्यास वो एक विस्तृत फलक हमारे सामने प्रकट करके हमें जोड़ देती हैं आप अपना अनुभव अगर कोई ऐसी किताब जिसको पढ़ के आपको लगा कि ये Uh, मेरे साथ बनी रही बहुत देर तक चाहे कोई उपन्यास हो या कोई किसी की कविताएं हो जो ऐसा लगता है कि आपको तो उन्होंने समृद्ध किया चलिए आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और इसका जवाब भी मेरे पास तैयार है स्वागत है तो किताब है कनुप्रिया जी धर्मवीर भारती जी की ये किताब मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ता पढ़ता था सत्रह अठारह बरस की उम्र होगी मैंने पढ़ी थी कुल साठ पन्नों की किताब है ये लेकिन उसमें जो मैंने जो पढ़ा वो अभी तक एक तरह से दिमाग में उस किताब को मैंने एक रात में आप विश्वास नहीं करेंगे कम से कम तीन या चार बार जब पहली बार मैं उस किताब को लेकर आया था तो उसको मैंने तीन या चार बार एक रात में उसको पढ़ा मैंने और उसमें वही था कि जो राधा और कृष्ण का जो हम एक आयाम अक्सर देखते हैं हम उसके कितने अधिक आयाम हो सकते हैं वो इस किताब में मुझे जब जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आदमी की जो सोच है वो कितनी विस्तृत हो सकती है कितनी उदार हो सकती है कितनी बड़ी हो सकती है और वो एकदम से दिमाग में रही और मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया था कि हमारी बेटी जब भी, भी बिटिया होगी उसका हा, नाम कनुप्रिया ही होगा क्या बात है कनुप्रिया बड़ी हो गई है तो एक वो किताब में बताना चाहूँगा बहुत ही सुंदर है और विशेष करके जब उस किताब का इतना प्रभाव कि पुत्री का नाम आपने कनुप्रिया रखा वो आपने हमारे साथ बांटा उसके लिए भी धन्यवाद एक सुंदरता रहती है इस तरह के सेतु जो बनते हैं जो शब्द शिल्पी हमारे लिए उपहार के रूप में एक धरोहर के रूप में सौंपते हैं प्रतीक्षा जी यही सवाल अगर आपसे पूछा जाए आप के पास इस सवाल को लाने से पहले फिर मैं एक बार ये कहूंगा कि एक एक कोरापन होता है अभिव्यक्ति में एक जैसे कुछ प्रकाश की रश्मियाँ छन छन करके आ रही हों बिना आपको किसी तरह से आरोपित करने का भाव उत्पन्न किए हुए सहजता से तो वो कहीं ना कहीं एक प्रसन्नता से भर देता है जैसे एक पूर्णता का छोटा सा बिंदु आपके अंदर खुल जाता हो ऐसा अगर लेखन के द्वारा हो जाता है तो वो भी एक तरह से हमें यूनाइट कर रहा है कहीं अपने आप से यूनाइट कर रहा है तो ये जो अपने आप से यूनाइट करने वाला भाव आपके अंदर किसी को पढ़ आया कभी नहीं अनूप जी जैसे तो नहीं इतना ज्यादा आया पर मुझे कुरतुल्न हैदर की लिखाई बहुत पसंद और नाथ रेनू और अभी जो तुरंत याद आ रहा है मुझे जी. और राही मासूम रजा की आधा गाँव अगर रेनू और रजा की बात करें तो उन, उनका जो लोकेल है वो गाँव है उसकी भाषा है उस वो ध्वनि है और जैसे आपने कहा ना कि जो दुनिया हमने देखी नहीं तो मैं कभी गांव में नहीं रही लेकिन आधा गांव पढ़कर या परती परी कथा या जुलूस पढ़कर मुझे जो गांव का जो सुख है वो सुख उन किताबों से मिला और वो जो छोटा बिंदु नहीं बहुत बड़ा बिंदु था मेरे लिए क्योंकि वो दुनिया मेरे मेरे जीवन से बहुत दूर रही हमेशा मैं बहुत चाहती थी कि रहूं अभी भी चाहती हूं कि कुछ मौका लगे तो बहुत लंबे समय तक रहूं लेकिन इन लोगों की लिखाई ने मुझे उस ज़मीन से जोड़ दिया जो मेरे अपनी ज़मीन है मेरे पुरखों की ज़मीन है और ये जो एक कनेक्शन है जो एक तार हम पुराने समय से लेके कर आते हैं और हमारे बाद आगे भविष्य में हमारे बच्चे लेके जाएंगे तो हमें लगता है कि हम उस उस पूरे सूत्र का कहीं एक एक हिस्सा हैं यू नो इन द बिग नेकलेस वी आर ऑल्सो वन बीड तो ये जो एक बींग विद द कॉस्मिक इन इन अ वेरी मटीरियलिस्टिक वे इन अ वेरी फिजिकल मैनर ये मुझे uh, किसी भी लिखाई से जोड़ने का जो सबसे बड़ा जादू है मेरे लिए यही है इसमें प्रत्यक्षा जी आपके साथ बने रहते हुए जो संस्कृति या सांस्कृतिक परंपरा है और एक साहित्यिक परंपरा है ये दोनों मिलती जुलती है एक समानांतर बहती नदी सी होते हुए भी अपना एक अलग अस्तित्व रखती हैं इस दृष्टि से भारत क्या प्रेरणा के रूप में आपको लगता है कि एक जो आपके अंदर का रचनाकार है उसको क्या कहता है उसके साथ कहाँ जुड़ता है कॉन्शियसली uh, अनकॉन्शियसली एक तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जो डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं जो अलग अलग संस्कृति हमारे यहाँ है या जो अलग अलग परंपरा है खाने पीने रहन सहन का जो तरीका है बोली है हम जैसे सब लोग अलग अलग दिखते हैं भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अलग शक्ल सूरत के लोग हैं अलग रंग के लोग हैं और ये चीज़ मुझे बहुत एक खुशी भरा चंबा देती है कि हम लोग इतने फ़र्क हैं सब एक जैसे होती कितनी बोरिंग दुनिया हो जाती तो ये कितनी चीज़ें हमारे सामने रखी हुई हैं कि उनको हम महसूस करें और उसका आनंद लें और ये चीज़ अगर हम नहीं करते तो इससे ज़्यादा कोई चीज़ वो हमारे वी आर अनफॉर्चुनेट अगर हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं, नहीं कर पाते और ये चीज़ों को अगर हम लिखने में ले आते हैं कहीं एक तरह से एक बहुत सारी नदियों की धार मिलकर जैसे समुद्र में तो गिर जाती है अगर हम उस तरह से लें कि सब चीज़ें हैं और सब हम जितना जान लें और जितना भोग लें और महसूस कर लें तो शायद जीवन का जो पर्पस है जो उद्देश्य है वो शायद इन्हीं चीज़ों में है तो जीवन का उद्देश्य किन चीज़ों में है और किसको कहाँ दिख जाता है वो भी एक रहस्य हाँ। है पर इस रहस्य को जब हम शब्दों के साथ लेते हुए अनूप जी की तरफ बढ़ते हैं तो अनु जी आपने ये जो पत्रिका इंडियन कॉन्सुलेट के साथ मिलकर जिसके आप प्रबंध संपादक हैं अनन्या तो उसके द्वारा भी आपका संपर्क कई देशों के लेखकों से हुआ जो हिंदी में लिख रहे हैं ये अपने आप में अगर आप भारत में बैठकर सोचें तो एक बड़ी बात है कि आपने भारत छोड़ा है लेकिन भाषा के प्रति साहित्य के प्रति जो आपका प्रेम है वो एक ललक है वो भी कहीं ना कहीं उस हुक से उपजी हुई है जो अपनी जड़ों से जुड़ने की भी एक चाहत रहती है और जैसे प्रत्यक्षा जी कह रही थी कहीं ना कहीं वो कॉस्मिक साइकिल में हम अपनी जगह अपना अनुनाद कैसा कहाँ हो उसको तो क्या विशेष संतोष देने वाली बात अनन्या पत्रिका के जो आपने रचनाएं पढ़ते हुए या ये पूरा जो प्रकल्प है उससे रही है आपके लिए मेरे ख्याल से जो अनन््य पत्रिका की जो बात चस, जो मुझे सबसे ज़्यादा संतोष देती है वो ये है कि हमने दुनिया के अलग अलग देशों में आ, हिंदी का हिंदी का एक जो बीज बोया है अनन्न्य पत्रिका के रूप में जैसा कि आपको मालूम होगा कि अनन् पत्रिका जो हमने न्यूयॉर्क से शुरू की थी अब वो 11 देशों में पहुँच चुकी है तो हमने इन 11 देशों में हिंदी का एक बीज बोया है और हमारा स्वप्न ये है कि एक छोटा सा बीज जो हमने एक पत्रिका के रूप में बोया है उस वो बीज बड़ा होकर एक वृक्ष बनेगा जिसमें न केवल हम साहित्य की बात करेंगे बल्कि उस देश की कला की बात करेंगे उस देश की संस्कृति की बात करेंगे उस देश के रीति रिवाजों की बात करेंगे उस देश के उत्सवों की बात करेंगे उस देश के लेखन की बात करेंगे उस देश के साहित्य के अनुवाद की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो बात है वो हमें अलग करती है और मैं उसके प्रति बहुत उत्साहित हूँ कि अलग अलग देश में जो लिखा जा रहा है उसको अगर हम हिंदी के माध्यम से एक वैश्विक मंच पे ला सकें और पूरे विश्व में आपस में एक संवाद स्थापित कर सकें वो मेरे ख्याल से अनन्या का एक बहुत बड़ा अगर हम कर पाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उपलब्धि आ... हम किसे मानते हैं कि ये हमारे ऊपर भी निर्भर करता है क्या कि जी आपको पूरे सम्मान के तो हम बातचीत करें ये भी एक प्रकार की उपलब्धि ऐसा माना जा सकता है लेकिन जो निष्ठा के साथ में शब्द से सम्मान श्रद्धा से जुड़ने वाला भाव है वो बचा रहे वो भी मुझे लगता है किसी स्तर पर एक उपलब्धि है और प्रत्यक्षा जी जो कुछ हम देखते हैं ऐसा सुनते हैं कि पढ़ने की तरफ आने वाली पीढ़ी का रुझान कम हो रहा है भारत में भी क्या आपको ऐसा लगता है और क्या लगता है आपको कि जैसे आपकी स्मृति में अपने फणीश्वरनाथ रेणु जी का नाम लिया ऐसे आ, मेरे लिए अगर मैं अमृतलाल नागर जी से लेके अज्ञा जी से लेके निर्मल वर्मा जी वे दिन शब्द चित्र वो जिस तरह से होते थे बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे लगता है मेरी समृद्धि का हेतु ऐसी पुस्तकों से मेरा जो प्रेम था और एक एक साथ दो दो तीन तीन किताबें पढ़ते रहते थे ऐसा चलता था अभी ऐसा सुनते हैं कि कम हो रहा है पुस्तकों के साथ जुड़ाव ये बात सही है क्या यदि हाँ तो इसको कैसे बदला जा सकता पढ़ने का कुछ चलन तो कम है पहले घरों में पत्रिका आती थी और सबसे बड़ी बात है कि पहले टेलीविजन नहीं था दूसरे डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे तो हर कोई अपने स्पेयर टाइम में साहित्यिक पत्रिकाएं तो हर कोई पढ़ता था मुझे याद है और हिंदुस्तान ये सारिका ये सब हर किसी के घर आता था अब क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत हैं टेलीविजन है सिनेमा है, है पूरी दुनिया आपके ड्राइंग रूम में आ गई है आप कुछ भी देख सकते हैं कॉन्सन्ट्रेशन स्पैन दो मिनट से ज़्यादा का नहीं रहा हमारा टी भी ऑन करते हैं तो हम चैनल फ्लिक करते हैं तो उसमें पढ़ने का जो एक काम है वो बड़ा धैर्य का काम है आप सुकून से बैठिए मोटी किताब है पतली किताब है आपको बैठना पड़ेगा उसके साथ उसकी संगत में रहना पड़ेगा उस संगत में रहने का जो एक हुनर है वो हम खो रहे हैं ये बहुत दुख की बात है लेकिन फिर मुझे लगता है कि जैसे अनूप जी ने कहा इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बहुत सुविधाजनक भी हो गई हैं बहुत सी किताबें हैं जो आपको किंडल पे मिल जाती हैं चीज़ें एक्सेसिबल हैं तो कहीं ना कहीं जो पढ़ना चाहता है उसके लिए तो दुनिया बहुत सुंदर हो गई है मैं कोई भी किताब खोज सकती हूँ बिल्कुल तो मैं इस बात को लेते हुए क्योंकि समय जैसे आपने कहा कि दो मिनट का तो समाचार ठीक उस वक्त दो ही मिनट रह गए थे समाप्त करने के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आर्ट को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें तो पढ़ना एक बात हुई पर आप टीवी पे अगर कोई कार्यक्रम देखते हैं और सीरीज़ देखते हैं उसमें भी क्रिएटिविटी है और क्रिएटिविटी के अलग अलग डायमेंशन हैं जिनके साथ जुड़े रहें आर्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं या उसके हम किस तरह से उससे जुड़ते हैं यूज शब्द को हटाया जाए तो दैट वुड डिटरमिन कि वो हमें डिवाइड करेगा या यूनाइट करेगा हम आर्ट का उस तरह के नारे लेते हैं जो प्रचलित हो जाएंगे लेकिन वो के बढ़ाने वाले होंगे या हम उस रेजोनेंस की बात करते हैं जो समन्वय को बढ़ाने वाला है तो वहाँ पर हम मूल रूप से देखा जाए तो जो शुद्ध स्वरूप आर्ट का है वो तो यूनाइट करने वाला ही है ये प्रस्ताव में पारित अपने अनूप जी से और प्रतीक्षा जी से करवाते हुए इन दोनों का आभार और बहुत मंगल कामनाओं के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आभार अशोक व्यासानी